हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की फ्रेंड शानदार जीके और जीएस की क्लास। फ्रेंड, शुरू से लेके अंत तक आपको बने रहना। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, चाहे आपका यो यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे यूपीपी ऑपरेटर का हो, हर एक जगह से क्वेश्चन को यहां पे सेलेक्ट किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 महीने। तो फ्रेंड्स, कितनी अवधि तक कर सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य? तो कितने महीने तक कर सकते हैं फ्रेंड्स? मात्र 6 महीने तक, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही शानदार है। आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 148 में उल्लेख है, सीबीआई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी है, या लोकायुक्त है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसमें आप सभी लोगों का? सी ऑप्शन यानी सीएजी किसमें है? आर्टिकल नंबर 148 में है। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, यानी संसद के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है आपसे पूछा गया फ्रेंड्स। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, संसद के सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो देखिए फ्रेंड्स, अपने मन में एक बार आंसर को सोचा करिए, उसके बाद आपको आखिरी में यह भी बताना है कि 25 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, फिर मेरा मिलाया करिए। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति करता है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति शासनाधीश राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, लोकसभा के। तो फ्रेंड्स, किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ये आपको बताना है, लोकसभा के, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, या अतारांकित प्रश्न। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तारांकित प्रश्न होगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत की राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन दिलाता है फ्रेंड्स? भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? कैग देता है, लोकसभा देता है, राष्ट्रपति देता है, या संसद देता है? फ्रेंड्स, सरकार को जो जनता का पैसा है वो खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो फ्रेंड्स, संसद देता है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है? संवैधानिक निकाय है, संविधानेतर निकाय है, सांविधिक निकाय है, या कार्यकारिणी निकाय है? तो फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है आप लोगों को अपने मन में आंसर सोचना है फ्रेंड्स। ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है, ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल। तो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड्स? ये 6 साल का होता है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? संसद के संविधान से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से, संसद के सदन की अवधि से, या राष्ट्रपति से? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति से है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी लोगों से कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के अनुसार कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 महीने, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स, सरकारी बजट पेश करने की तारीख है वो कौन तय करता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति करता है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही शानदार जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? फ्रेंड्स, 5 स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है और हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1900, आप सभी लोगों का हो जाएगा 25, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन सन 1925 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? 47 है, 20 है, 22 है, 18 है? तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? फ्रेंड्स, 47 है, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 76, 84, 62, 45। तो फ्रेंड्स, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जात के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, या कैबिनेट सचिव? तो कौन सी नियुक्ति फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही शानदार और जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, या H.C. मुखर्जी जी थे, या लाल जवाहरलाल नेहरू जी थे? तो फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 20%, 10%, 25%, या 15%? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक नहीं हो सकती है? तो फ्रेंड्स, 15%, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री? तो फ्रेंड्स, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त करता है, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या राज्य का मुख्यमंत्री? तो फ्रेंड्स, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? गृह मंत्री है,
रक्षा मंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो कौन है फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का? राष्ट्रपति यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? क्षेत्रफल, जनसंख्या, भाषा, साक्षरता। तो फ्रेंड्स लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो वो जनसंख्या के बेस पे होता है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या सेना अध्यक्ष में। तो फ्रेंड्स केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और 25 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। तो जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़े फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है, जहां मैं फ्रेंड्स मैथ की शानदार क्लास और रीजनिंग की शानदार तरीके से चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।